जय श्री राम। मेरे परम प्रिय सभी भाई बहनों का आपके अपने परिवार हिंदू रिश्तों चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम खट तिला एकादशी व्रत के बारे में आप सबों से निवेदन करने जा रहा हूँ। ये खट तिला एकादशी व्रत माघ कृष्ण पक्ष में हमको प्राप्त होती है। इसका बड़ा ही महत्व है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। ये हम व्रत किस विधि से करें, तो इस व्रत की विधि ये है, जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं, एक दिन पहले से ही मतलब दसवीं से ही मांस मदरा लहसुन प्याज बैगन सलगम और गाजर इत्यादि का त्याग करते हुए दसवीं को एक समय सूर्यास्त के पहले भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसके बाद में एकादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो भी सूर्योदय के पहले उठ करके किसी पवित्र नदी में जा सकते हैं तो वहां जाना चाहिए, नहीं अपने घर पर ही स्नान करना चाहिए। इसका नाम क्या है, खट तिला एकादशी। खट मतलब छह प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तिल को थोड़ा पीस करके रात्रि में ही रख दीजिए। कुछ तिल को जो है एक कलसी में भिगो करके रख दीजिए और प्रातः जो है वो पानी छान करके स्नान करने के लिए अलग रख लीजिए। मान लिया आप जो है नदी में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो अपने घर से ही एक कलसी में जो तिल भिगा करके रखा है वो आप लेते जाइए, वो आप उबटन लेते जाइए। वहां पहुंच करके अथवा घर में ही सबसे पहले हमें तिल का उबटन लगाना है, जिसको उत्तर भारत में भुकवा कहा जाता है, मतलब लेप लगाना है। जैसे हम साबुन इत्यादि लगाते हैं ऐसे पीसे हुए तिल को हमें पूरे शरीर में लगाना है। उसके बाद में सामान्य स्नान करके जो तिल का जल है वो छान करके उस जल से हमें स्नान करके फिर ऊपर से साबुन इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। एकादशी को तो वैसे भी साबुन तेल का निषेध है। इसके पश्चात हमें वस्त्र इत्यादि धारण करके अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आपको तर्पण की विधि नहीं आती है तो इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं और तर्पण अवश्य कीजिए। तर्पण करने के पश्चात में भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को चावल का अक्षत नहीं चढ़ता है, उनको तिल का अक्षत अर्पण होता है। पूजन के पश्चात हमें हवन करना चाहिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा, प्रभु ने आपको दिया है तो अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा पहले तर्पण की विधि करवा लीजिए, फिर भगवान की विशेष पूजा करवा लीजिए, उसके बाद में एक छोटा सा हवन संपन्न करा लीजिए। किसी कारण से आप नहीं बुला पा रहे हैं तो आप स्वयं हवन कैसे करें, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। अब जो है हवन हो गया, इसके बाद में भगवान को तिल का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को बुलाया तो उनको जिमाना चाहिए, नहीं स्वयं जो है तिल के लड्डू का प्रसाद लेना चाहिए। अगर हम निर्जला हैं तो बाजार में बिकने वाले तिल को मैं नहीं कहूंगा, स्वयं तिल को लाइए, धोइए उसको और उसके बाद में घी और गुड़ मिलाकर के उसका लड्डू बना करके रख लीजिए। इसके पश्चात तिल के लड्डू का हमें दान करना चाहिए। खट तिला एकादशी संस्कृत में छह को खट कहा जाता है, तो इसमें छह प्रकार से तिल का प्रयोग आया है। तो पहला क्या हो गया कि हमने पीसे हुए तिल का उपटन लगाया। नंबर दो पर क्या हो गया कि जो है भीगे हुए तिल के जल से स्नान किया। नंबर तीन क्या हो गया कि हमने तर्पण किया। नंबर चार क्या हो गया, हमने हवन किया। नंबर पांच क्या हो गया, भगवान को भोग लगाया और उसके बाद में स्वयं खाया अथवा ब्राह्मण को खिलाया। नंबर छह क्या हो गया, तिल के लड्डू का हमने दान किया। तो छह प्रकार से प्रयोग करना परम कल्याणकारी है। इसके बाद में उत्तम तो यही कि जैसे आप अन्य एकादशी व्रत में निर्जला रहते हैं अथवा जल पी के रहते हैं अथवा एक बार दूध लेके रहते हैं अथवा एक बार फल लेके रहते हैं अथवा दो बार फल खा के रहते हैं और आलतू फालतू चीजों से परहेज करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, दूसरे दिन प्रातः उठ करके स्नान करा के ब्राह्मण को जिमा के अथवा दो खुराक इस दिन खिचड़ी का दान कर अन्नदान के पश्चात स्वयं पारण करते हैं और इस दिन जो है विशेष करके खिचड़ी का भोग भगवान को लगाना चाहिए। द्वादशी को भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, साथ में तिल का लड्डू भी लगाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को जिमा रहे हैं तो दिन खिचड़ी और तिल का लड्डू भी उनको अवश्य प्रदान कीजिए। इसकी जो कथा आती है अन्य कथा की तरह श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी के पूछने पर बताया। एक बार दालक ऋषि जी ने ऋषि पुलस्त से पूछा कि प्रभु कई मनुष्य ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देकर के ईर्ष्या करते हैं,
क्रोध करते हैं और बहुत सारे व्यसनों से ग्रसित हैं, जो चीजें नहीं खानी थी उन चीजों को खाते हैं पीते हैं, फिर भी उनका जीवन बहुत सुखी है, उसका कारण क्या है? तो पुलस्त्यऋषि जी ने कहा कि निश्चित ही ये लोग जो है कभी ना कभी खटतिला एकादशी का व्रत किया होगा, जिसके पुण्य के प्रभाव से इनके पाप सब नष्ट हो जाते हैं और ये जो है जीवन में सुख का उपभोग भरपूर मात्रा में पाते हैं। ऋषि पुलस्त्य जी ने दालेप ऋषि जी से कहा कि इसके बारे में आपको मैं वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार जो है नारद जी गए और जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न जो है भगवान विष्णु जी से किया। विष्णु जी ने कहा अगर कोई खटतिला एकादशी का व्रत करेगा तो निश्चित ही हमारे धाम को प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा प्रभु ये व्रत तो हमें ज्ञात ही नहीं है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा नारद जी मैं आपको खटतिला एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनाता हूँ। जो है एक ब्राह्मणी थी, बड़ी विदुषी थी, नियम धर्म से रहती थी, शास्त्रों में वर्णित जितना भी व्रत उपवास इत्यादि है उसका नियम पूर्वक पालन करती थी। तो उसके नियम को देख करके हमारे मन में हुआ कि जाकर एक बार उस जो है परम विदुषी और तपोमयी ब्राह्मणी का दर्शन करूं। मैं एक जो है ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए उसके द्वार पर पहुंचा। हमने कहा देवी कुछ भिक्षा दे दो। वो जो है बड़ी कृपण थी, घर में गई कुछ चीजें उसको समझ में नहीं आया, हर चीज उसको जो है मूल्यवान लगा। तो वहां पर एक मिट्टी का जो है टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसको उद्धि में ढेला बोलते हैं, ला करके उनके कमंडल में डाल दी। विष्णु भगवान जी प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए। बंधु कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता, कई सारे यजमान थे सीधा दान करेंगे, एक दिन दो दिन चार दिन का रखे रहेंगे, उसी में हल्दी गिर गई, उसी में नमक गिर गया है, और केला और सड़ा हुआ अमरूद संतरा सब उसी में पड़ा हुआ है, जो स्वयं मैं ले जाके जानवर को भी नहीं दे सकता हूँ। पर श्रीमती जी कई बार कहते भी हैं कि आप इनको एक बार बोल दीजिए कि भैया वो चीजें दो जो उपयोगी हो। पर मैं कहता हूँ क्या बोलूं इनको, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उसको ले जाकर स्वयं हमको विसर्जित करने में अलग समस्या पैदा हो जाती है। पर एक धर्म होता है कि जो अपने द्वार पर आया उसको हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए और जो दे गया वो हमें सब स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान विष्णु जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसका दिया हुआ मिट्टी का टुकड़ा रख लिया और वहां से चले गए। कालांतर में चूंकि बड़ा व्रत नियम का पालन करती थी, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो भगवान के स्वर्ग लोक हो गई और वहां उसको बड़ा सुंदर भव्य विशाल मिट्टी का महल मिल गया। तो हाँ मिट्टी का महल तो मिल गया पर वो महल पूरा खाली था, उसमें कुछ भी धन धान्य नहीं था। वो परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंची और कही प्रभु ये इतना सुंदर महल तो आपने हमको दिया लेकिन जो है तो पूरा खाली है, इसमें कोई सामग्री ही नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि आप चिंता मत करो, बहुत तपस्या की हो पर आपने जीवन में कुछ भी दान नहीं किया है, जिसके कारण आपको रहने को तो मिल गया पर तृप्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा करना आप अपने महल में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, जब देवों की स्त्रियां आपके पास आएंगी दरवाजा खोलने के लिए बोलेंगी तो उनसे निवेदन करना कि देवियां आप जरा खटतिला एकादशी व्रत की कथा मुझे सुना दो, फिर मैं आपको सम्मान पूर्वक घर में बुलाऊंगी। देवों की स्त्रियां जब आपके घर पर आपसे मिलने के लिए आएंगी, दरवाजा खटखटाएंगी, तो आप वहां पर बोलना कि देवियां पहले मुझे खटतिला एकादशी व्रत का महात्म सुना दो, उसके बाद में मैं आपको सम्मान पूर्वक घर में बुलाऊंगी। ऐसा करने मात्र से ही आपका परम कल्याण होगा। वो अपने मिट्टी के महल में गई जो स्वर्ग में उसको प्राप्त हुआ था। कुछ घंटों पश्चात जो है देवों की स्त्रियां मिलने के लिए आई तो उनसे निवेदन किया कि आप मुझे खटतिला एकादशी व्रत का महात्म सुनाओ, फिर मैं स्वागत पूर्वक आपको अंदर बुलाऊंगी। उन देवियों ने कृपा करके खटतिला एकादशी व्रत का महात्म सुनाया, जिसके सुनने मात्र से उसकी बुद्धि जागृत हो गई। पश्चात में उसने उन देव स्त्रियों की अंदर बुला करके पूजा इत्यादि किया, सम्मान किया और आने वाली खटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका जो है स्वर्ग में जो पूरा खाली हुआ स्थान था पूरा घर भर गया। तो बंधुओं हमको यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में केवल तपस्या करना ही कार्य नहीं है, हमें दान भी करना चाहिए। जो हम बोएंगे वो हमें प्राप्त होगा। आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है कि भैया हम तो दान नहीं करेंगे, हम तो जय जय सियाराम किसी कुत्ते को खिला देंगे, किसी गरीब को दे देंगे। बिल्कुल कीजिए, इसके लिए कोई मनाही नहीं है,
लेकिन आप अपना पहले परम कर्तव्य तो कीजिए। आप स्कूल में एग्जाम ना दें और बाहर जाके आप दुनिया भर का एग्जाम दें तो कोई मतलब नहीं है। आप स्कूल में एग्जाम दीजिए, उसके पश्चात कितने भी बच्चों को पढ़ाइए, एग्जाम दीजिए, कुछ कीजिए, सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिलने वाला है। आपकी संज्ञा कि आप पढ़े लिखे वहीं से प्राप्त होगी, तो वहाँ का एग्जाम देना आवश्यक है। बाकी आप अगर अलग ही सेवा करते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है। ऐसे ही हमें एक बार हमारा जो नियम धर्म है कि हमें एक जो दान करना चाहिए पुण्यात्माओं को दान करना चाहिए, जिससे आपके दिए हुए धन का सदुपयोग हो ना कि दुरुपयोग हो। वैसे आप दया करके किसी को भी खिलाएं, बहुत उत्तम बात है, खिलाना भी चाहिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम। ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, योगे राम बनवा भोले, योगे राम बनवा।